एडमिनिस्ट्रेशन तो मुझसे भी परेशान है क्योंकि वो काम नहीं करना चाहते हैं, कमीशन उनकी शायद बंद हो गई हो, उससे भी परेशानी होती है, उनके घरों के चूल्हे जो ऐसे ही खामखा तनख्वाहों के बगैर जलते थे ना, जहाँ इनका कारोबार था वो आप साइड बिजनेस मान के चलिए, वो चीज़ें बंद हो गई हैं वहाँ पे, तो इसलिए वो लोग तंग आ गए हैं मुझसे। देखिए, किसी ऑफिसर को ड्यूटी कराना ये कोई गलत बात नहीं है, डंडा लेके पर ड्यूटी कराना नहीं, अगर ऐसे मान लेते हैं तो हमें ज़रूरत भी नहीं है। देखिए, राजनीति यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर में हो रही है, या तो मजहब के नाम पे हो रही है या 370 के नाम पे हो रही है। मेरा तो ये मानना है जो बीजेपी इस वक्त कर रही है, जो मोदी जी कर रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला को या महबूबा मुफ्ती को या उनकी जो पॉलिसी है जम्मू कश्मीर के नेताओं के लिए, उनको सताने के लिए जो है पूरा जम्मू कश्मीर को सताने की कोशिश की जा रही है। एक उनको छोटी सी मैं बात बता दूं, अगर उनको लगता है कि उन लोगों ने जम्मू कश्मीर को लूटा है या उन लोगों ने जो है बर्बाद किया है, तो छोटी सी एक गुजारिश है कि उन लोगों को सीधा अंदर कर दें, बाकी लोगों को जीने का अधिकार दिया जाना चाहिए। लेकिन ये भाजपा भी नहीं चाहती है, सियासत इन्होंने करनी है, लोगों को परेशान मत कीजिए। दो आदमी अगर जम्मू कश्मीर को नचा रहे हैं तो उन दो को अंदर ठोक दो। अगर इतने लोगों को आपने PSA लगाया कश्मीर में, 21,000 जवानों को इन्होंने PSA के थ्रू अंदर किया है, लेकिन अगर आपको लगता है उसकी जड़ फारूक अब्दुल्ला है, उसकी जड़ जो है महबूबा मुफ्ती है, तो उन दो आदमियों को उठाकर अंदर ठोक दो। इसमें मोदी जी को क्या ऐतराज़ है, डाल देना, लेकिन वो करेंगे नहीं क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तान पर सियासत करनी है, जम्मू कश्मीर के आवाम को सताने का काम नहीं करना है। आपने देखा 370 किसने तोड़ा, मैं कश्मीर के जवानों को बोलना चाहता हूँ, महबूबा मुफ्ती ने, क्योंकि कश्मीर के लोगों ने भाजपा को रोकने के लिए महबूबा मुफ्ती को वोट किया था, मुफ्ती सईद को वोट किया था, और वो लोग उठ के उनके साथ मिल गए। वही काम उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला ने किया, एक वक्त में ये हमारा मुल्क हुआ करता था, कांग्रेस के साथ मिलकर इन्होंने स्टेट बनाया है और आज 370 को तोड़ भी दिया है। 370 में ज़मीन और नौकरियाँ बची थी, उस ज़मीन और नौकरियों को हम भी वापस ला सकते हैं, लेकिन अगर जम्मू कश्मीर का यूथ चाहे तो। जब हम लोगों के पास गए थे तो वोट मांगे थे ना काम के लिए, बिल्कुल, जब काम नहीं होगा तो फिर तो डंडा ही उठेगा ना, बिल्कुल, बात ही वही खत्म होती है। अगर हम लोगों को पावर दी थी, प्रोटोकॉल दिया था, तो उसके तहत जो काम नहीं कर पा रहे तो फिर तो जाहिर जो है हर किसी को यही काम करना चाहिए। ना ना ऐसा होता ही नहीं है, ना हमें कभी कोई इस किस्म की सियासत ना हम करते हैं, इसीलिए तो डंडे उठते हैं, वरना अगर मुझे पैसा ही कमाना होता तो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमारा कभी विवाद नहीं होता, या और बाकी लोगों से मतलब ऐसा नहीं होता, या तो और भी बहुत सारे जरिए होते हैं, लेकिन एक बात होती है, जिस आदमी को अपना कोई सिस्टम चलाना है तो ब्यूरोक्रेसी को साथ में चलाना है। देखिए, ब्यूरोक्रेसी से भी मुझे ऐतराज़ नहीं है, मुझे उन लोगों को एक ही बात कहनी है कि यार आपका घर है, आपका परिवार है, आप अपने बच्चों के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन एक गरीब का गला घोंट कर अपने बच्चों को परवरिश मत करो। महराज दीन मलिक जी, नाम बताना ही आपको काफ़ी है क्योंकि हर वक्त गुस्से में रहते हैं और गुस्से वाला नेता जो है वो इनका नाम है। और DDCN से बात करते हैं, आखिरी बार जब हम इनसे मिले थे और इनसे पूछा गया था, इन्होंने कहा था महराज दीन मलिक को एक बार नहीं 10 बार भी FIR होंगी तो कोई टेंशन नहीं है, और एक बार नहीं 10 बार भी डंडा उठाने पड़ेगा लोगों की मदद के लिए। लेकिन इसके बीच में एक सवाल पहले जानना चाहूँगी, यंगस्टर हो, यूथ हो, इतना गुस्सा क्यों, मतलब इतने गुस्से वाले नेता, मतलब गुस्से वाले नाम से मशहूर क्यों हो गए? देखिए, गुस्सा नहीं है, काम जब पब्लिक के नहीं होंगे तो गुस्सा जायज़ हो जाता है। जिस तरीके से आप देखेंगे, गुस्सा इसलिए भी आना चाहिए, मैं तो कहता हूँ हर आदमी को गुस्सा आना चाहिए। अभी हमारे यहाँ ऐलान हुआ है 4 महीने का राशन मुफ्त दे दो, है ना, पूरे इलाके में ढिंडोरी पीट गए, पूरे हिंदुस्तान में राशन देने का काम किया जा रहा है। वहीं अगर खिताई चिनाब में आप देखेंगे, फिंगरप्रिंट लगाए जा रहे हैं, राशन जो डीलर देने का काम करता है वो लोगों के घरों में जाकर मशीन पे जो है अंगूठा लगा रहा है, लेकिन राशन नहीं दे रहा है। हिली एरिया है, बर्फ कभी भी पड़ सकती है, लेकिन जब लोगों को राशन नहीं दे रहा है तो कहीं ना कहीं राशन माफिया है, तो लोग उस चीज़ से भी परेशान हैं। तो कहीं ना कहीं जो स्कीमें सरकार की हैं वो लोगों तक पहुंच नहीं रही हैं, तो जब पहुंच नहीं रही हैं, वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी है, वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन काम नहीं कर रही है, या लोगों को जो है वो सहूलियात की चीज़ें मुहैया नहीं कर पा रहे हैं, तो महराज मलिक अगर बोलता है तो उनके यहाँ जो है कमी महसूस होती है, क्योंकि वो माफियाज़ हैं, वो लोगों को लूट कर खाने वाले लोग हैं। सुनिए, पूरी बात सुनिए, लोगों को लूट कर खाने वाले लोग हैं, उनको आदत हो गई करप्शन की, लोगों का गला घोंटने की। महराज मलिक वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि देखिए हमें लोगों ने उम्मीदों के साथ वोट दिए हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार का भी काम रहता है कि लोगों के काम करें। 370 इन्होंने तोड़ा है, डेवलपमेंट के नाम पे ढिंडोरा पीटा गया, जम्मू कश्मीर के इतिहास में इन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा बजट जो है हमने इस बार जो है लोगों को दे दिया, जम्मू कश्मीर की आवाम को। मैं मानता हूँ कागज़ों में मोदी ने 15 लाख भी ऐलान कर दिया था, उसी तरीके का बजट जो है जम्मू कश्मीर के लोगों को दिया। हमें कौंसल का, हम कौंसल के मेंबर हैं, कौंसल में जो है हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 1100 करोड़ इन्होंने बजट दिया है, लेकिन मैंने 3 महीने पहले कहा था कि अगर 1100 करोड़ है
मेरे यहाँ जो है इम्प्लीमेंट आप देखेंगे, यूटिलाइज अगर देखेंगे आप 200 करोड़ भी नहीं होगा। लेकिन दावे के साथ कह रहा हूँ जो सरकार कर रही है उससे लोगों को नुकसान हो रहा है। इन्होंने दिसंबर के महीने में उन 1100 करोड़ की टेंडरिंग निकाली, जो मतलब आप भी कह सकते हैं एक महीने के अंदर टेंडर भी निकालना, उस काम को करना भी है और 70% आपको पेमेंट में मिलेगी। और ये कह रहे हैं कि 30% जो है बाकी जो मार्च तक आप ये डिलीवर करेंगे। पहले क्या होता था कि जनवरी के 20 तक जो है हमारे यहाँ काम किए जाते थे, मार्च के आखिर तक जो है काम किए जाते थे। लेकिन इनका ये कहना है इनके पास पॉलिसीज़ नहीं है। अगर बिजली का काम है 10 दिन के अंदर हो सकता था, लेकिन ये पैसा लगाना ही नहीं चाहते हैं, पैसा जो है लैप्स करने में लगे हुए हैं। मेरा एक सवाल है, देखिए मैं एज ए DDC मुझे लोगों ने वोट दिए थे कि मैं लोगों के काम करूं, मैं डेवलपमेंट करूं, करप्शन पर रोक लगाऊं, कोशिश तो मैं कर रहा हूं, लेकिन मेरे अलावा जितने भी कौंसल में चेयरमैन हैं, जिन लोगों को इन्होंने गाड़ियाँ दी हैं, उन लोगों को टस से मस नहीं है। उन लोगों को पता होना चाहिए कि हमारा पैसा लैप्स क्यों हो रहा है। उनको पता था कि 31 मार्च में अगर काम नहीं उठाए गए होंगे तो पैसा जो है वापस जाएगा। ये सवाल गवर्नमेंट से, सरकार से उठाएगा कौन? मैं तैयार हूँ, मैं चाहता हूँ जम्मू कश्मीर के जितने भी DDCs हैं, जितने भी कौंसिल के लोग हैं, वो ये सवाल सरकार से करें। ये काम तो फ़र्ज़ बनता था चेयरमैनों का, लेकिन वो इतने नाअहल हैं, उनको खुद भी नहीं पता है कि पैसा इस्तेमाल कैसे करना है। ब्यूरोक्रेसी नहीं चाहती है, वो लोड लेना ही नहीं चाहती, वो लोगों के काम करना ही नहीं चाहती है, उनको अपनी तनख्वाह से मतलब है। लेकिन महराज मलिक को फ़र्क पड़ता है जब आवाम का पैसा ज़मीन पर नहीं लगता है। महाराज जी, मेरा सवाल ये रहेगा, चलिए आप कर रहे हैं, बट अगर सब लोग इतने गुस्से में आ जाएं, मतलब आप रोल मॉडल है एक वहाँ के लोगों के लिए, आप DDC हैं, लोगों ने आपको चुना है, बट अगर आप एक अपना फेस वैल्यू गुस्से वाला बना लेंगे, हमारा यंगस्टर आपसे क्या सीखेगा कि हर एक काम गुस्से से और डंडे से होगा? नहीं, आपको क्या लगता है किस लिए? चेहरा मुझे खूबसूरत दिखने की आदत नहीं है या लोग मुझे चाहेंगे मेरे चेहरे से? मैं चाहता हूँ, मैं पॉलिटिक्स में सिर्फ इसलिए आया हूँ मेरा काम हो, मेरे लोग जो हैं उनको ज़रूरियात की चीज़ें मिलें। जब वो नहीं मिलेंगी आप क्या करोगे? मैं हर बार यही सवाल लोगों से पूछता हूं कि जब एक ऑफिसर आपके यहां ड्यूटी नहीं करता है, लोगों के काम नहीं करता है, तो मेरे उस लीडर होने का क्या फ़ायदा है? मुझसे बेहतर लोग हैं इस वक्त भी इलाके के अंदर हैं, हर जगह हैं, जम्मू कश्मीर के कोने कोने में है, वही इसका इस्तेमाल करें ना, लोगों के काम वो लोग करवाएँ, फिर महाराज को क्या ज़रूरत है? देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि इनके पास ये जो ब्यूरोक्रेसी है ये काम नहीं करना चाहती है। मैंने कहा छोटी सी बात है, लोगों को राशन देना था, वहाँ हमारे अभी तक राशन नहीं लोगों को मिला है, अंगूठा लग गया है, अंगूठा लग गया, राशन नहीं मिला है। देखिए ये चीज़ें कौन देखेगा? मैंने रात को भी ट्वीट किया था, लेकिन उस पर एक रिएक्शन नहीं है। हम जवाब किससे मांगेंगे? हमें लोगों ने जिम्मेदारी दी थी, जिम्मेदारी से जब हम उन लोगों के पास जाते वो लोगों के काम नहीं करते, तो मजबूरन कोई ना कोई कदम उठाना पड़ता है। इसमें मुझे तो कोई मतलब हिचकिचाहट नहीं है, मैं चाहता हूँ कि आवाम के काम करें। देखिए मैं एक बार आखिरी बार कह रहा हूँ, मैं तो इस DDC से भी तंग आ गया हूँ। DDC से तंग क्यों आ गए? बहुत शौक से, बहुत चाव से गए थे। चाव से हम इसलिए गए थे कि हम लोगों के काम करें। अगर लोगों के काम नहीं हो रहे हैं, हमारे साथ बहुत सारे ऐसे DDC जो जुड़े हैं, हम रात को एक मीटिंग भी की है, पूरा यूथ इकट्ठा हो रहा है। मैंने भी सुना था, पूरा यूथ इकट्ठा क्यों हो रहा है, ये रीजन क्या? देखिए ये इसलिए है कि हम कुछ अपने बारे में सोच रहे हैं, जम्मू कश्मीर के बारे में अलग से सोच विचार कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे DDC हैं जो कैपेक्स का पैसा था जो यूटिलाइज़ नहीं हुआ है। मैं तो तंग आकर मैं तो रेजिग्नेशन के लिए भी तैयार हूँ। कैपेक्स के पैसे के बारे में बताएं जरा। बिल्कुल, कैपेक्स का पैसा जो इन्होंने करोड़ों का बजट दिखाया था, पूरे हिंदुस्तान में इन्होंने ढिंढोरा पीटा था, हमने जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए इतने करोड़ों का खरबों का बजट लाया, लेकिन बजट तो दिया है, ग्राउंड पे लगेगा कब? सवाल तो वो है कि वो पैसा यूटिलाइज तो हो। अब अगर लैप्स होकर फिर वहीं चला जाए तो फ़ायदा क्या है? यहाँ के लोगों को बिहार के हालात के जैसे बना रहे हैं, बिहारी हमको बनना नहीं है, हमारा पैसा यहाँ पर यूटिलाइज होगा तो डेवलपमेंट होगी। अब हर साल, पिछले साल भी हमारा पैसा लैप्स हुआ था, इस साल भी लैप्स होने जा रहा है, किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। कोई जो कौंसिल के लोग हैं, जो चेयरमैन बने हैं, जो DDC, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, सवाल उठाने के लिए कोई तैयार नहीं। मैं चाहता हूँ कि हर कौंसलर की जिम्मेदारी है, हर चेयरमैन की जिम्मेदारी है कि वो सरकार से सवाल करे। और मैं एक चीज़ आखिर में, हमारे पास अभी 3 महीने बचे हैं, मैंने अपना पैसा जो है बिजली और पानी को दिया है, वो काम जो है सर्दियों में भी किए जा सकते हैं, गर्मियों में भी किए जा सकते हैं। फिर सरकार ने ये कैसे फैसला ले लिया कि 70% काम किया है तो पैसा देंगे, नहीं किया है तो वो वापस चला जाएगा? ये पॉलिसी इनको समझनी चाहिए, क्योंकि बिजली का काम बर्फ़ में भी किया जा सकता है, पानी का काम बर्फ़ में भी किया जा सकता है। 3 महीने हमारे पास पड़े हुए हैं, हम अपने पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सरकार नहीं चाहती है कि ये लोग पैसे का इस्तेमाल
इस्तेमाल करें। तो सरकार को मेरा एक मैसेज जाना चाहिए, गवर्नर साहब तक बात पहुंच जानी चाहिए कि उनको भी समझना चाहिए 3 महीने के अंदर अभी हम बहुत सारा पैसा लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि उसको जो है लैप्स करने की कोशिश की जाए। मैंने कल भी DC साहब से बात की, चेयरमैन साहब से बात की, और उनसे भी मैंने कोशिश की कि ये पैसा जो हमारा यूटिलाइज होना चाहिए, उससे हमारे लोगों को बहुत सारे फायदे होंगे। पिछली बार जब हम आपसे मिले थे तो आपसे जो हमने इंटरव्यू किया था उसके नीचे बहुत से कमेंट थे, कुछ कमेंट्स आपके फेवर में भी थे और कुछ कमेंट आपके नॉन फेवर में थे। उन पर बात करते हैं जो आपके फेवर में नहीं थे। वहाँ पर कुछ लोग ऐसा कह रहे थे कि इनको लोगों ने नहीं तंग किया, इन्होंने लोगों को तंग किया। अब आप बता दीजिए वो कौन से लोग हैं, या तो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे या वो आम आदमी थे, ये आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन तो मुझसे भी परेशान है क्योंकि वो काम नहीं करना चाहते हैं, कमीशन उनकी शायद बंद हो गई हो, उससे भी परेशानी होती है। उनके घरों के चूल्हे जो ऐसे ही खामखा तनख्वाहों के बगैर जलते थे ना, जहाँ इनका कारोबार था वो आप साइड बिजनेस मान के चलिए, वो चीज़ें बंद हो गई हैं वहाँ पे, तो इसलिए वो लोग तंग आ गए हैं मुझसे। देखिए, किसी ऑफिसर को ड्यूटी कराना ये कोई गलत बात नहीं है, डंडा लेके पर ड्यूटी कराना नहीं, अगर ऐसे मान लेते हैं तो हमें ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन अगर ना माने तो देखिए 9 महीने मुझे हो गए थे, उससे पहले कभी उससे पहले डंडा नहीं उठाया। देखिए, एक बार हमने एक ऐसे प्रोटेक्शन वाल पे भी हंगामा किया था, लेकिन वो काम हो रहा था। अगर मैं बात नहीं करता उसको नीचे, मेरा मकसद ये नहीं कि कोई काम हो जाए उसके बाद उसकी इंक्वायरी हो, मैं ये चाहता हूँ कि अगर कोई ज़मीनी सतह पर काम हो रहा है उसी वक्त उसकी चेकिंग होनी चाहिए, उसी वक्त उसको बेहतर किया जाना चाहिए, या तो वो बन जाए उसके बाद उस पर विजिलेंस हो, उस पर क्राइम हो या और पे केसेस हो, मैं नहीं चाहता। मैं ऑन स्पॉट वही चाहता हूँ कि अच्छे से काम होने चाहिए। एक तो उस वक्त हमने थोड़ा सा हंगामा किया था और 9 महीने के बाद DDC तो उससे पहले हम बन गए थे, लेकिन वो मजबूर किया जाता है जब वो लोग नहीं मानते। देखिए, हमें भी एक इज्जतदार हैं और उन लोगों की भी अपनी एक इज्जत है, अगर वो दूसरे की इज्जत का ख्याल नहीं करते तो महराज मलिक उनकी इज्जत को उतनी। चलिए, एक और सवाल आपसे पूछ लेते हैं। अभी हाल ही में डॉक्टर जितेंद्र सिंह का आपने बयान सुना होगा कि मेरी कुछ ऑन बिरादरी के लोग हैं जो इस तरह के बयान देते हैं जिन्हें वो पूरा नहीं कर सकते, उन पर आपका क्या रिएक्शन है? देखिए, राजनीति यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर में हो रही है, या तो मजहब के नाम पे हो रही है या 370 के नाम पे हो रही है। मेरा तो ये मानना है जो BJP इस वक्त कर रही है, जो मोदी जी कर रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला को या महबूबा मुफ्ती को या उनकी जो पॉलिसी है जम्मू कश्मीर के नेताओं के लिए, उनको सताने के लिए जो है पूरा जम्मू कश्मीर को सताने की कोशिश की जा रही है। एक उनको छोटी सी मैं बात बता दूं, अगर उनको लगता है कि उन लोगों ने जम्मू कश्मीर को लूटा है या उन लोगों ने जो है बर्बाद किया है, तो छोटी सी एक गुजारिश है कि उन लोगों को सीधा अंदर कर दें, बाकी लोगों को जीने का अधिकार दिया जाना चाहिए। लेकिन ये भाजपा भी नहीं चाहती है, सियासत इन्होंने करनी है, लोगों को परेशान मत कीजिए। 2 आदमी अगर जम्मू कश्मीर को नचा रहे हैं तो उन 2 को अंदर ठोक दो। अगर इतने लोगों को आपने PSA लगाया कश्मीर में, 21,000 जवानों को इन्होंने PSA के थ्रू अंदर किया है, लेकिन अगर आपको लगता है उसकी जड़ फारूक अब्दुल्ला है, उसकी जड़ जो है महबूबा मुफ्ती है, तो उन 2 आदमियों को उठाकर अंदर ठोक दो। इसमें मोदी जी को क्या ऐतराज़ है, डाल देना, लेकिन वो करेंगे नहीं क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तान पर सियासत करनी है, जम्मू कश्मीर के आवाम को सताने का काम नहीं करना है। 2 आदमी गलत हैं, उनको उठा के बाहर फेंक दो। बाकी जो जवान है, जम्मू कश्मीर का यूथ है, जिस तरीके से हमने 8 साल 10 साल पहले सियासत में कदम रखा है, लेकिन ये जो इनके लोगों का भी जहन है कि फलाना आदमी है वही कर सकता है, यहाँ अच्छे लोग हैं, यहाँ ऐसे लोग भी हैं जो डेवलपमेंट करा सकते हैं, जो स्टेट को चला सकते हैं, लेकिन लोगों के जहन में वो नाम घुस गए हैं। उन्होंने कश्मीर में आपने देखा 370 किसने तोड़ा, मैं कश्मीर के जवानों को बोलना चाहता हूँ, महबूबा मुफ्ती ने, क्योंकि कश्मीर के लोगों ने भाजपा को रोकने के लिए महबूबा मुफ्ती को वोट किया था, मुफ्ती सईद को वोट किया था, और वो लोग उठ के उनके साथ मिल गए। वही काम उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला ने किया, एक वक्त में ये हमारा मुल्क हुआ करता था, कांग्रेस के साथ मिलकर इन्होंने स्टेट बनाया है और आज 370 को तोड़ भी दिया है। 370 में ज़मीन और नौकरियाँ बची थी, उस ज़मीन और नौकरियों को हम भी वापस ला सकते हैं, लेकिन अगर जम्मू कश्मीर का यूथ चाहे तो यूथ को सामने आना चाहिए। यूथ की एक मीटिंग हम कर रहे हैं और आने वाले वक्त में हम एक नौजवान तहरीक चला रहे हैं और देखेंगे आने वाले वक्त में अगर लोगों ने समझदारी दिखाई तो हम यहाँ इनकलाब एक, 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 एक मेरा आखिरी सवाल रहेगा, जिस तरह आप परेशान हैं हम भी बहुत से DDC से मिलते हैं, वो भी बहुत परेशान हैं। उनका कहना है कि सिर्फ ये एक टैग है DDC, ऐसा कुछ नहीं है, जैसे वादे थे वैसा कुछ नहीं है, सिर्फ ये एक सपना बन के रह गया है, क्योंकि उनके पास भी इस तरह के फंड्स नहीं है जिस तरह से लोग उनके पास आते हैं वो मदद कर सके। आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ जो है वो DDC को किस तरह की पावर्स जो है वो दी जाए, उन पावर्स में किस तरह से कट शॉर्ट किया जाए कि DDC जो है वो अपने लोगों की मदद कर सके, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी कुछ ऐसे DDCs हैं जो बहुत तंग है। वही तो बात है, बिल्कुल, जब हम लोगों के पास गए थे तो वोट मांगे थे ना काम के लिए, बिल्कुल, जब काम नहीं होगा तो फिर तो डंडा ही उठेगा ना, बिल्कुल, बात ही वही खत्म होती है। अगर हम लोगों को पावर दी थी, प्रोटोकॉल दिया था, तो उसके तहत जो काम नहीं कर पा रहे, फिर तो जाहिर जो है हर किसी को यही काम करना चाहिए।
इन लोगों को काम याद दिलाना पड़ेगा। देखिए हमारे यहाँ छोटे छोटे काम होते हैं गांव के अंदर, राशन कार्ड की बात है, रोजगार की बात है, हमारे यहाँ मनरेगा की बात है, वो लोगों को दिलाने का काम करना है, वो तो एक आम आदमी भी कर सकता है, लेकिन हमारे यहाँ कौंसल भी नहीं कर पा रहे हैं। हमारे यहाँ कौंसल में बैठे चेयरमैन, उनको गाड़ियाँ मिली हैं, अय्याशी कर रहे हैं, बस लोगों की वाहवाकारी ले रहे हैं और आराम के साथ ऑफिसर के साथ चलने का, उससे थोड़ी इज्जतदार बन जाते हैं। इज्जतदार वो आदमी है जो गरीब को उसका हक दिलाए। अब अगर ऐसे नहीं मानते हैं तो वैसे मनवा लेना चाहिए, लोगों ने पावर हमें दी है, लेकिन यहाँ ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम चला है, लोकतंत्र यहाँ ख़त्म हो गया है। अगर इख्तियारात हमको दिए हैं, हमारी कौंसल को चलाने वाली एडमिनिस्ट्रेशन है, तो कहाँ से इंसाफ। यानी आपने कभी किसी से काम के लिए कोई पैसे नहीं लिए? मतलब आपने कभी किसी से कुछ नहीं लिया काम के लिए? सवाल आपसे। किन से? लोगों से, उनके काम करवाने के लिए? ना ना, कभी नहीं है। ना ऐसा होता ही नहीं है, ना हमें कभी कोई इस किस्म की सियासत ना हम करते हैं, इसीलिए तो डंडे उठते हैं। वरना अगर मुझे पैसा ही कमाना होता तो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमारा कभी विवाद नहीं होता, या और बाकी लोगों से मतलब ऐसा नहीं होता, या तो और भी बहुत सारे जरिए होते हैं, लेकिन एक बात होती है, जिस आदमी को अपना कोई सिस्टम चलाना है तो ब्यूरोक्रेसी को साथ में चलाना है। देखिए ब्यूरोक्रेसी से भी मुझे एतराज़ नहीं है, मुझे उन लोगों को एक ही बात कहनी है कि यार आपका घर है, आपका परिवार है, आप अपने बच्चों के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन एक गरीब का गला घोंट कर अपने बच्चों को परवरिश मत करो। बिल्कुल। अगर एक ऑफिसर है, उसको 60,000 या लाख रुपया तनख्वाह है, उसके बच्चों के लिए काफ़ी है, और वहीं जिससे आप लूट रहे हो, उस बेचारे के पास घर को खाने में बच्चों के लिए कुछ भी नहीं है। तो ये उनको नाराज़गी मुझसे नहीं होनी चाहिए, मैं तो उनको जहन्नम से निकाल कर जन्नत में धकेलना चाहता हूँ, गुनाहों से बचाना चाहता हूँ, तो इस पर मुझे फ़ख्र है, और उन लोगों को भी इसमें नाराज़ नहीं होना चाहिए। यार महराज कह रहा है, हक और हलाल की बात कह रहा है, हक और बातिल की बात कह रहा है, तो हमें इससे नाराज़ नहीं होना चाहिए। उन लोगों को भी मुझसे नाराज़ नहीं होना चाहिए जिसको ये ईमान है कि आने वाली ज़िंदगी के बाद जो है मौत है, और मौत के बाद एक और ज़िंदगी है, उसके बारे में ख्याल करना चाहिए। हर कोई जन्नत तो चाहता है, यहाँ अगर अय्याशी की ज़िंदगी चाहते हैं ये लोग, यहाँ महलात चाहते हैं, गाड़ियाँ चाहते हैं, जो मरने के बाद अगर कहीं महल मिलने वाला है या खूबसूरत ज़िंदगी है, तो उसके बारे में क्यों नहीं सोचेंगे? तो मैं उनको जहन्नम से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, और हमारी कोशिश जारी है जहन्नम से जन्नत, जन्नत तक का रास्ता। बिल्कुल, और वो तो हमारा फ़र्ज बनता है, हर एक ईमान वाले की ज़िम्मेदारी है, और मेरी पर भी ज़िम्मेदारी है कि हलाल से रोकना है। फिलहाल हक खाएँ ना लोग, अपने बच्चों को खिलाने का काम हलाल खिलाएँगे तब जाके वो तो फलेंगे, लेकिन गरीब का खून खा कर, मैंने एक बार पहले भी कहा था कि एक डीसी का लड़का डीसी नहीं बनेगा, एक तहसीलदार का लड़का तहसीलदार नहीं बनेगा, तो फिर जिन बच्चों के लिए आप इतना कुछ कर रहे हो वो आगे बनने वाले हैं नहीं। हाँ अगर हलाल की कमाई हो तो कुछ भी कर सकते हैं, हराम की कमाई से आज तक कोई नहीं बढ़ा है, और ये वो तो वो लोग भी देख चुके हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे आवाम को उनका हक मिले, तो इसी के लिए ये सब चीज़ें होती हैं, लोग सवाल करेंगे। महराज को लोगों से कुछ नहीं चाहिए, महराज लोगों के लिए आया है, इंसानियत के लिए आया है, और अगर दुनिया में आज कोई अच्छा काम नहीं कर रहा है, कोई भी जो है करप्शन के बगैर नहीं है, पैसे के बगैर नहीं है, महराज उस रास्ते पे चलता है। हम ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, क्योंकि आज की डेट में मुझे तो ईमानदार दिखा नहीं कोई, हो सकता है कोई हो लेकिन वो अपने घर के अंदर बैठा हो, जो अच्छे लोग हैं वो घरों के अंदर बैठे हैं, जो करप्ट लोग हैं उन लोगों को ये सत्ता में ला रहे हैं। जवान भी बड़े सवाल करते हैं, अब भाजपा की सरकार आएगी, अब एनसी की सरकार आएगी, उन लोगों को मेरा एक सवाल है, यार इन लोगों की बात आप क्यों करते हो, आप क्यों नहीं हिम्मत करोगे? आपको अगर लगता है कि सिस्टम गलत है तो सिस्टम के खिलाफ खड़े हो जाइए, या खुद सिस्टम में आ जाइए। देखिए किसी को दोष देने की ज़रूरत नहीं है, महराज मलिक ने अगर इन लोगों को दोष दिया होता तो आज डीडीसी नहीं होता। महराज मलिक ने जब देखा कि मेरे इलाके के लीडर जो हैं वो गलत हैं, तो हम अपने पैरों पर खुद चल कर आए, और हमने कहा कि अगर इन लोगों ने गलत किया हम सही करके दिखाएंगे। तो एक उम्मीद थी हमारी भी और लोगों की भी, हम एक कोशिश कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि जो हमारी कौंसल है, कौंसल के थ्रू भी यहां काम नहीं हो रहा है, मजाक बनाया जा रहा है, पूरे जम्मू कश्मीर को इतना बड़ा फंड दिया है लेकिन यूटिलाइज़ नहीं हुआ है। इस पर हर एक को सोचने की ज़रूरत है। हमारे साथ जो डीडीसीज़ हैं या चेयरमैन हैं, उन लोगों को भी बात करनी चाहिए, उनके पास ज़िम्मेदारी है सरकार तक बात पहुँचाए। अभी हमारे पास 3 महीने हैं, अगर इनको शौक है सच में जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट के बारे में, तो 3 महीने में हम पूरे का पूरा यूटिलाइज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर सरकार की नीयत हो। देखिए मुझे उन्होंने एरिया डेवलपमेंट का फंड का पैसा दिया है, अगर CDF की तरह मैंने इस्तेमाल करना होता तो मैंने अभी तक इस्तेमाल कर दिया होता, लेकिन ब्यूरोक्रेसी के हाथ वो पैसा पड़ गया। उनको प्लान बनाना, प्लान हमने देना था, टेंडरिंग का काम उन्होंने करना था, पूरा का पूरा सिस्टम उन्होंने चलाना था, रिलीज उन्होंने देना था, ज़मीनी सतह पर हमने करवाना था। लेकिन अगर आखिर दिसंबर के आखिर में आपके टेंडर निकलते हैं कामों के, तो 1 महीने के अंदर आप कैसे बता सकते हो कि ये सारे काम हो जाने हैं? देखिए हमारे यहाँ सर्दियों का मौसम भी है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ यकीन के साथ 3 महीने के अंदर हम उस पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है ये अपनी पॉलिसी दोबारा से
उसको देखें जो उन्होंने यहाँ पे लैप्स करने की कोशिश की 31 दिसंबर को, उसमें जो है डेट बढ़ाई जाए, जिस तरीके से पहले 20 जनवरी को जो है रोका जाता था, इसमें भी अभी इनके पास 3 महीने, 3 महीने अगर ये चाहते हैं कि पैसा लगे, पैसा लग सकता है, लेकिन नीयत इनके पास नहीं है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ महराजदीन मलिक, और जिस तरह से अगर हम बात कहते हैं कि इन्होंने कहा है कि ये गरीबों की मदद करने के लिए आए हैं, और वाकई में जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन के हमेशा पीछे पड़े रहते हैं, लगता भी है कि कोई ना कोई सुधार कर देंगे, और एक प्यारा सा खूबसूरत सा मैसेज दिया कि हम हमेशा लीडर्स से जो है उम्मीद रखते हैं, तो क्यों ना हम उस सियासत को बदल दें। हम सोचें अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो हम उस सियासत में आकर जो है वो बेहतरीन काम कर लें। तो आप जो है अपनी राय को ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए।